ये फ्री रेडिकल जो हैलोजिनेशन है इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इससे एक क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इथेन, इसका अगर क्लोरिनेशन कराएं हम लोग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हो गया, जब इथेन का हम लोग फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन कराते हैं तो ये वन क्लोरो इथेन यानी कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हमारा एक ही मिलेगा, चाहे क्लोरीन यहाँ ऐड करें, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ये हमारा हो गया मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। जब तो एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाएंगे तो जितना डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट होगा दैट इज मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अब ये देखिए जो है कि डाईक्लोरो प्रोडक्ट है यानी कि डाईक्लोरो प्रोडक्ट कितना पॉसिबल है, तो दोनों क्लोरीन इस कार्बन से अटैच कर दिए डाईक्लोरोइथेन, 1-1 डाईक्लोरोइथेन या 1-2 डाईक्लोरोइथेन, तो डाईक्लोरो प्रोडक्ट दो पॉसिबल है, ट्राईक्लोरो प्रोडक्ट तीन पॉसिबल है। तो जनरली मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेजर प्रोडक्ट की भी बात करते हैं तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि मिथाइल साइक्लो पेंटेन है, इसका जब फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन हम लोग कराते हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आंसर ऑल हो जाता है, ए बी सी डी सारा बनता है, लेकिन अगर कुछ नहीं पूछा हुआ इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट की ही हम लोग बात करते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन कराते हैं तो सबसे रिएक्टिव जो साइट होता है एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लिस्ट विनाइलिक हाइड्रोजन होता है। हम लोग देख सकते हैं ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, बाकी ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये जो पोजीशन है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसलिए सबसे रिएक्टिव साइट ये है जो कि 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ कंटेंट है, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा दैट विल बी सी ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में नीट जीमेंस जे एडवांस सब में पूछे जाते हैं कितना पॉसिबल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बात करते हैं नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल प्रोपेन। अब मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट की इच कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ एक क्लोरीनेट कर सकते हैं, यहाँ एक क्लोरीनेट कर सकते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन लगाकर क्लोरीनेट कर सकते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है पॉसिबल प्रोडक्ट एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन हटाकर और एक क्लोरीन एटम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ एक क्लोरीनेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्योंकि इसका IUPAC नेम सेम है, 1-क्लोरोप्रोपेन ये भी 1-क्लोरोप्रोपेन, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है कि सिमिलर है सेम है तो इसको 1 काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो प्रोपेन का होगा ये 1 क्योंकि ये दोनों सेम है और 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो है कि 2 होगा। वैसे ही अगर ब्यूटेन का जो है कि फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन टोटल 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक जो है कि 1-ब्रोमोब्यूटेन और एक हमारा सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन या 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करें तो ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट, यहाँ ऐड करेंगे एक क्लोरीन तो यहाँ एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा,
क्योंकि वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन यहाँ भी ऐड करेंगे, वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एक ही क्लोरीन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर वन होगा, क्योंकि ये जितना कार्बन है ये वन डिग्री कार्बन है और सारा वन डिग्री हाइड्रोजन है, वन पोजीशन है इक्विवेलेंट, तो वन इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली रेडिकल हैलोजिनेशन इसका कराएंगे, देखिए एक प्रोडक्ट जो है इस कार्बन पर हैलोजिनेट कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल फाइव मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट होगा। एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर सकते हैं, दूसरा यहाँ ऐड कर सकते हैं, अब ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, फिर एक ये होगा, तो टोटल प्रोडक्ट वन टू थ्री फोर फाइव मोनोक्लोरिनेशन, यानी एक कार्बन पर, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हैलोजन ऐड करेंगे, जितना डिफरेंट प्रोडक्ट विथ डिफरेंट एफएससी नेम हम लोग बनेगा, दैट इज मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। यहाँ हम लोग बात करें, देखिए ये और ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो ये वन काउंट करेंगे, फिर ये दूसरा प्रोडक्ट होगा यहाँ बनेगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर ये फोर होगा, तो टोटल फोर मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा।